हमारे तो सर बोले कॉपी में लिख लो और लीवर एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सो सर कॉपी आ किसको सर आप ऐसे करते एक कॉफी बाइक में से सबको दे देते आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन थैंक यू सर वेलकम सर आप ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है सर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ H2 एंड एडिशन ऑफ डिक्रीज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ ऑक्सीजन देखो कई चीजें हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या एडिशन ऑफ किसी भी चीज में ऑक्सीजन हो जाए या नॉन मेटल हो जाए देखो हमने नहीं कर अभी लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन एक नॉन मेटल और नॉन मेटल ठीक है और रिमूवल ऑफ और किसका रिमूवल बोलो हाइड्रोजन मेटल नहीं हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर मेटल का रिमूव होना और नॉन मेटल का ऐड होना हाइड्रोजन तो नॉन मेटल हाइड्रोजन को H प्लस के तौर पर लिया जाता है H प्लस मेटल में H प्लस होता है Na प्लस उस तरीके और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड उसे क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजेशन लेकिन उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड ये कहा जाएगा कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है जैसे कि अब ये देखिए H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl H में किसका एडिशन हुआ H में Cl Cl क्या है नॉन मेटल जैसे Cl2 वैसे O2 से इसमें पता कैसे चलेगा ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन यही मैं बता रहा हूँ जैसे ऑक्सीडेशन है ना ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन ये सब एक ही चीजें तो है इन सबका तो एक ही कास्ट है कि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं तो अब हाइड्रोजन का क्या हुआ है इसमें किस चीज का एडिशन हुआ है अब यहाँ देख लो कंपेयर करो H2 प्लस O2 गिव्स H2O हम इसे बैलेंस कर रहे हैं लेकिन ये बताओ कि क्या इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो इसे क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन फिर ऊपर डाल दें अच्छा आप ये देखिए एडिशन क्यों कहा इसे ऑक्सीडेशन क्यों कहा गया है H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O क्या बोला जाएगा बताओ H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O एस क्यों क्योंकि ऑक्सीजन इज एडेड टू इट जरा देखो तो ऊपर एस ऑक्सीजन इज एडेड अब यहाँ पे देखो क्या ये भी कहा जाएगा H2 तो जीरो है ना H को तो इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं वो तो साझेदारी होती है एक H ये है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक H ये है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे शेयरिंग कर ली इसने इससे क्या किसी ने किसी को दिया या लिया नहीं ना तो लेकिन यहाँ देखो H2O में क्या होता है H इनमें क्या होता है बताओ इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने ले लिया HOH बनता है कि नहीं इसके दो आयन है तो बताओ H2O में H प्लस बन गया तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ज्यादा अच्छा तरीके से जानना चाहते हो तो ये जान लो कि ये ऑक्सीजन इतना लालची है कि इन दोनों के बीच जो साझेदारी थी उसने दोनों साझेदारी को जैसे मैंने और आपने क्या कहा कि दोनों
अपने अपने लड्डू बीच में रखो, वो तुम्हारे भी दोनों है हमारे भी दोनों, लेकिन तुम इतने लालची निकले दोनों ही लड्डू खींच के ले गए और मैं खड़ा देखते रह गया। सो ऐसे केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और वो दोनों तरफ से दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पकड़ के दबा ले और हाइड्रोजन दूर खड़े रहे, तो क्या दोनों हाइड्रोजन को लॉस हुआ है? बोलो, देख लो ये दोनों प्लस प्लस रह गए और ये कितने पे आ गया, बाकी इसके पास और इलेक्ट्रॉन भी थे, सिक्स तो इसके थे। सर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीडाइज होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो जिसपे प्लस का चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का क्या मतलब है बताओ, तो ऑक्सीजन भी तो दे रहा है अपना। देख लो ऑक्सीजन ने दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, बोला कि मेरे आउटर आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, देखो जरा सिक्स है, 1 2 3 4 5 6 अब इस हाइड्रोजन से इसने इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया। वास्तव में बात ये तय हुई थी कि हम लोग कोवेलेंसी करेंगे साझेदारी, लेकिन हुआ क्या उसने तो ले लिया, तो इस वजह से पार्शियल ट्रांसफर इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट ट्रांसफर। अगर थोड़ा सा भी उसने बेमानी की है तो ये लोग मानेंगे अरे वो तो ले लिया हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, नहीं बात की नहीं, पार्शियल ट्रांसफर इज कॉल्ड कंप्लीट ट्रांसफर। तो ये ऑक्सीजन ने ऐसा क्यों किया और ये क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ऑक्सीजन के सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन थे, बहुत ज्यादा, 8 प्रोटॉन कितने थे, 8, उसके पास ज्यादा ताकत थी तो खींच लिया उसने सारा। इनके सेंटर में तो एक ही एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो थोड़ी ना खींच पाएंगे। तो इस तरीके से आप देखो कि ऑक्सीजन एडेड हुआ इसलिए हम क्या कहेंगे कि H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, और दूसरी चीज क्या कहोगी कि इलेक्ट्रॉन इसका क्या हुआ, देख लो इससे इसमें क्या हुआ हाइड्रोजन का क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और भी तो देखो क्या लॉस नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन सब ले नहीं गया, इसका क्या हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए भी कहा जाएगा, दो रीजन है जिसकी वजह से इसे ऑक्सीडेंस कहा जाता है, लॉस हुआ है क्योंकि ये जीरो से कौन से स्टेट पे पहुंच गया, प्लस हाइड्रोजन, समझ आई बात कि नहीं, तो इसलिए क्या कहा जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एलिमेंट हाइड्रोजन, ये भी कहा जा सकता है। यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, सर इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें किस चीज का एडिशन हो रहा है सर, और उसमें किस चीज सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जीरो है और ये जाके प्लस वन हो जा रहा है क्योंकि इसने ले लिया है, और क्या किसी नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है ऐसा कहीं लिखा हो, हो रहा है जो ऑक्सीजन का एडिशन हो या नॉन मेटल का एडिशन हो, तो हम यहाँ क्या कहें बताओ, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा रिडक्शन क्या चीज होती बताइए सर, व्हेन ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड, मतलब उसी टर्म में बताइए बिल्कुल उसके उसके जैसे मिमिक करें सर, लॉस ऑफ एडिशन से शुरू कर दो सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड मेटल, ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन और मेटल, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल, और गेन ऑफ, ठीक है, और गेन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल, ये बात सही है, ऑक्सीजन हो या नॉन मेटल, नॉन मेटल और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। And the substance is said to be reduced. And the substance is said to be. ये बात समझ आ गई? नहीं जीरो की बात नहीं है। जीरो का अगर वो एलिमेंटल स्टेज है, जैसे कि दो लोग एक ही समान ताकत के हैं, तुम और तुम्हारी जुड़वा बहन, तो तुम उससे क्या ले पाओगी, अब वो तुम्हें क्या दे पाएगी, दोनों की समान ताकत है तो फिर ऐसे में शेयरिंग होती है, ऐसे में एच क्या एक एच ले लेगा और एच दे देगा दूसरा, क्योंकि दोनों की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने या देने की वो सेम है, तो यहाँ शेयरिंग हो रही है। एच टू में देखो, एच टू में मैंने नहीं दिखाया, एक एच और एक एच ऊपर देखो, तो उसने कहा कि मेरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग ऐसा करें, दो अलग अलग चीजें, ये देखो
मैं दो एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, ये सेंटर में प्रोटॉन था और एक हाइड्रोजन के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था और दूसरे सेंटर पर है और उसमें भी एक है, तो इन्होंने कहा कि हमको तो डुप्लेक्स पूरा करना है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, दो। हम इतने करीब आ जाएं कि हमारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारी ऑर्बिट में चला जाए और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हमारी ऑर्बिट, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये देखो, ये और ये, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसकी इसकी ऑर्बिट का भी हिस्सा हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट का भी हिस्सा हो गया, बोलो बात सही है। तो इसमें किसी ने किसी का लिया या किसी का दिया क्या कुछ, तो ये हो गया शेयरिंग, इसको क्या कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग और ये क्या बन गया बताओ, H2। या ये भी कह सकते हो H और H है, दोनों ने कहा तुम भी बीच में रखो हम भी ठीक बीच में रखते हैं, तो क्या कोई छीन पाएगा, दोनों ही तो H एटम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके माने गए और ये दोनों इसके माने गए। अच्छा, क्लोरीन ने कहा चलो हमारे पास 7 है, कैसे 7 है क्लोरीन के पास बताओ, 2, 8, 7। तो उसने कहा कि एक की मेरे पास भी कमी है, चलो ठीक ठीक बीच में हम भी एक रखते हैं, और हाइड्रोजन से कहा तुम भी एक बीच में रखो, तो दोनों ने रख दिया। लेकिन क्लोरीन 17 प्रोटॉन की ताकत के साथ आया था, उसने खींच लिया अपनी तरफ और उसने कहा कि तुम थोड़ा दूरी बना के रखो हमसे, समझ में, जैसे कोई जमींदार सब पैसा ले लिया सामान गरीबों का और फिर उसे भगा दे अपने महल से। तो अब ये बताओ, ये जो इसका पार्शियल ट्रांसफर है ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, कि उसकी 0% पहुंच गई स्टेट, इट इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक मतलब वहां का। तो इस तरीके से इट इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट, बोलो बात समझ में आई। तो ये इसकी कैसी स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंट है, दोनों सेम है कि नहीं, और कंपाउंड स्टेट किससे बना होता है, क्या एक से ज्यादा तरीके के एटम होते हैं। तो ये जो है इसमें ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ज्यादा देर किसके पास रहता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा देर किसके पास है, किसके पास कम देर उसके लिए छोड़ता है और ज्यादा देर अपने पास रखता है, तो क्या इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा और इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो पार्शियल चार्ज इसे मैं कंप्लीट मान रहा हूँ, बाल पास में आ गई। तो वही चीज यहाँ पर हो गई कि जैसे जैसे हम इस टेबल में इधर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे राइट में बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने और खींचने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन अच्छा खींच लेता है दूसरे से, ये सब बेईमान लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं, वो दे सकते हैं, और ये लेने वाली बस्ती है, बात समझ आ गई, जो नॉन मेटल है वो लेने वाली बस्ती है और मेटल्स क्या है देने वाली है। तो अब आप समझ जाए कि यहाँ पर तो इतनी बात हमने कर दी, लेकिन आनंदिता क्या आप मुझे ये बताएंगे कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्यों सर रिडक्शन, क्लोरीन क्यों रिड्यूस हो रहा है, ऐसा कोई क्लू है सर, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसमें, अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स उसके गेन हो रहे हैं, तो क्लोरीन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन मैं नहीं पता, इन्होंने अपॉइंट किया होगा ईश्वर ऑफ हाइड्रोजन, मुझे क्या मालूम, बल के बोली होंगे ये लोग, ईमानदार नहीं आपकी तरह, ये सब पढ़ते हैं आप नई बात की नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का देगा उन्होंने बोल दिया, दिमाग थोड़ी लगाना है। तो जरा देखो, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, और क्या चीज रिड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया, बोलो क्या रिडक्शन किसका हुआ, और Cl2 का, Cl2 का थोड़ी ना होता है, जो होता है वो रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट तो बन गया, HCl का कुछ नहीं हुआ, जो होता है रिएक्टेंट का होता है, तो किसी का ऑक्सीडेशन हुआ किसी का रिडक्शन हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडक्शन भी अगर करे और ऑक्सीडेशन भी अगर करे उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, सो दिस इज
थ्री डॉट्स रिएक्शन। अच्छा अब यहाँ देखिए एच टू ऑक्सीडाइज हुआ एच टू ओ में, जय ओ टू का क्या हुआ बोलो? क्या नाम है आपका? तो आप इस तो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मैं ही याद नहीं देता हूँ, क्या बताएं बोलो क्वेश्चन। O2 रिड्यूस हो गया और उसमें हाइड्रोजन हट गया। अच्छा O2 किसमें रिड्यूस हुआ? सर H2O में। O2 इज रिड्यूस्ड टू H2O एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, so it is a redox reaction as oxidation and reduction both process occur simultaneously, so this is prepare this place so it is। अब हम लोग ऑक्सीडेशन जय बताने जा रहे हो, ध्यान से सुनेंगे जो बताने। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इधर देखो एबीसी का ऑक्सीडेशन वन वन मेटल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ। बहुत अच्छा बताया। अब बताओ रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑब्लिक नॉन मेटल और रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक मेटल, नहीं नॉन मेटल एंड लेवल फिर से बताते हैं। सब मैं से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑब्लिक नॉन मेटल और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल and gain of electrons is called reduction। समझ आ गई बात? देखो हम ज्यादा नहीं पूछेंगे लेकिन ये द डेफिनेशन तो आज पूछेंगे। आज समझ आ गई बात कि नहीं? जिससे कि एक बार जम जाए दिमाग, कुछ नहीं पूछेंगे, बस ये दो डेफिनेशन लिखो। यस सर। रेडॉक्स भी पूछेंगे? कुछ नहीं, बस जो डेफिनेशन लिखी इतनी लिख दो। Diseases oxidized and reduced in following.
Na+Cl2 सही है तो 2NaCl ये आपको अपने हिसाब से बता देना है इसमें किसका इसमें जैसे पूरा लिखना है जैसे H2 is oxidized to HCl एरो लगा कर भी लिख सकते हो सर मतलब जो जानना है कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है एरो लगा के जैसे उसके ऊपर बस लिख देंगे ऑक्सीडाइज और जो हाँ हो जाएगा इंटेलिजेंट है इसका मतलब एक बार बता दिया बुक में है अब इसके आगे देखो एक टू सी यू देखो अगर मैं कॉपर को गर्म करूं ऑक्सीजन में क्या कॉपर के बर्तन में खाना बना जाता तो नीचे काला पड़ जाता है क्या कॉपर के बर्तन तांबे के बर्तन बड़े बड़े बर्तन में बिरयानी पकती है ना तांबे के तो नीचे काला नहीं पड़ जाता क्यों पड़ जाता है क्योंकि कॉपर की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है बुक में पिक्चर देखो ब्राउन कलर का कॉपर गर्म किया जा रहा है क्या यस सर देखो हाँ यस सर उसी पेज पे ये वाला था देखो ना इनका जैसे कि कॉपर तो फिर ये क्या हो जाएगा बताओ क्या सी यू ओ बन जाएगा इसका नाम क्या होगा कॉपर ऑक्साइड सही है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड और दूसरा नाम बोलिए ये देर नहीं लगती है इसका आप नोटेशन में नहीं बताओगे रोमन में लिखे इसकी टू नहीं है ना हाँ टू प्लस और टू माइनस तो ये भी तो लिखना है क्यूब्रिक टू होता है और क्यूब्रिक वन सी यू टू होता है हाँ अच्छा तो ये बताओ कि इसका इसमें क्या हो रहा है जय बहुत अच्छा क्योंकि सीधा दिख रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है इन्होंने बता दिया रिडक्शन नहीं हो रहा है या इसका उल्टा भी सही ऐसा कि चाय ने बताया कि ऑक्सीजन जुड़ा तो इससे बढ़िया क्या डेफिनेशन इससे सरल कुछ हो सकता है ऑक्सीजन जुड़ने को ऑक्सीडेशन तो आदमी को ऑक्सीजन मिल जाए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मर जाए तो ऑक्सीजन हट जाए दैट इज ऑक्सीडेशन अच्छा माही इसका इसमें क्या हो रहा है क्यों बताओ क्यों एक बताओ कुछ तो हम सर माइनस हो रहा है सर गेन कर रहा है क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये 2 प्लस है ना चीजें ये फैक्ट के हिसाब से बताते हैं ऐसे नहीं अंदाजे से नहीं कि शूट नहीं करती है अब देखो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि मेटल का एडिशन हो रहा है पहला माही ने बताया दूसरा ये बताया ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है सो दिया क्या हो रहा है मेटल इज एडेड क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन का लॉस की गेन किसमें बहुत अच्छा जैसा इन्होंने बताया कि जीरो से माइनस टू पहुंचा है तो दो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो गेन हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और तीसरी चीज क्या हो सकती है कि मेटल का एडिशन हो गया यही है ठीक है कि नहीं इतना लिखना काफी है और ये तो इसमें दो सेंटेंस आप बोलो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू CuO एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू CuO आप हमें फ्रेस दोगे तभी तो हम एक्शन कर पाएंगे कि नहीं बोला करो ठीक है तो धीरे धीरे तेज जाओगे चाहे गलत सही कुछ भी बोलो ठीक समझ में आगे बात ऊपर की इसका कलर क्या ब्राउन
ये ठीक बताया। कैसे इन्होंने बताया ब्लैक, क्योंकि जो जिस बर्तन में खाना बनता है कढ़ाई पनीर वो नीचे से काली हो जाती है, घर में देखा है तभी तो बोला। और ये क्या शाइनी ब्राउन है, अगर मैं कॉपर का पतीला है और ये काला पड़ गया और मैं इसमें हाइड्रोजन का स्प्रे कर दूं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का स्प्रे, हाँ हाइड्रोजन, ये तो पूरी बात जानती हैं, ये सब घर में इन्होंने किया होगा वरना ऐसे कौन बता सकता है, या फिर अगली रिएक्शन देख ली होगी। जरा देखो तो कॉपर ऑक्साइड न्यूक्लिक ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन हट के इसमें चला गया, शिफ्टिंग हो गई। तो ये मुझे बताइए बेटा गजेंद्र ना कि CuO का क्या हो रहा है, पहले तो ये बताओ यहाँ पर लॉस हो रहा है कि नहीं ऑक्सीजन का? नहीं, अब लॉस हो गया तो क्या हो गया बताओ, रिडक्शन हुआ कि नहीं? अब इसमें ऐसा समझाने वाला था नहीं, तो हम बता ही देते अनुराग आपको। अच्छा गद आप बताओ H2 का क्या हो रहा है? सर H2 का सर ऑक्सीडेशन, क्यों सर? क्योंकि O2 ऐड हो रहा है सर, ऑक्सीजन ऐड, दिस इज ऑक्सीडेशन, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O एंड CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu, इतना बिना देखे बोलो। सर H2O सर H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू 4 H2O and CuO is reduced from oxygen. Reduced to CuO किसमें reduce हो रहा है? Cu. Cu में reduce हो रहा है। Copper का क्या हो रहा है नंदिता? Sir, copper का reduction. Sir, copper का कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो product है। No, ये तो हर चीज जान। अच्छा, sir copper. अच्छा. और H2O का? Sir, copper का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बताइए जो चीज product है उसका क्या होगा? ये तो सही बोल रहा है। H2O का कुछ नहीं होगा फिर? हैं H2O का कुछ नहीं, ये उनको मिसगाइड कर रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा बोलो कि बाद में जीत जाए, बट लेकिन उन्होंने पक्का डिसीजन रखा अपना। जब देखो ZnO जिंक ऑक्साइड ZnO रखा हुआ है व्हाइट कलर का, वहां पे सबसे जो ज्यादा सफेद है वही ZnO है, ये दूसरे नंबर पर, इससे ज्यादा सफेद ZnO ZnS भी है वो सफेद, ये सबसे ज्यादा सफेद ZnSO4 भी। हां जिंक के सभी जो भी सॉल्ट है व्हाइट होते हैं। अब जरा देखो ZnO को इसमें अगर मैं कोयला मिला दूं कार्बन 20 है तो क्या होगा? ZnSCO ZN मेटल बन जाएगा, CO बन जाएगा। तो अब अनुराग मुझे कुछ बता दो इसका क्या हो रहा है? ZN का रिडक्शन हो रहा है। हाँ इसमें सर ZN का रिडक्शन हो रहा है, ZN is सर ZnO is reduced to ZN and C is oxidized to CO, C is oxidized to CO, C क्या होता है? कॉपर, कार्बन को भी कॉपर बोलते हैं, और भी और क्या क्या होते हैं कॉपर? सर कार्बन मोनोऑक्साइड CuO होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये बात समझ आ गई? अब जरा देखो MnO2 जो ब्लैक कलर का वहां रखा है पाइरोल्यूसाइड, MnO2 दिख रहा है इसे दूसरे में, हां मैग्नीज ऑक्साइड, सो दिस इज ये जो मेरे पास मैग्नीज है इसको इसमें भी हमने थोड़ी देर के लिए खोल दिया, ही खा नहीं पड़ गया ऑक्सीजन से, शाइनी ब्लैक है लेकिन ये जैसे ही थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला तो ये ब्लैक हो गया। सर दिखाना,
अच्छा ये ब्लैक इन नेचर ही होता है, ऑक्सीजन से मिलके क्या होता है? जैसे मैग्नीज की लेयर नहीं, मैग्नीशियम भी नहीं हो जाती थोड़ी सी? नींबू जैसे इन सब में ना जो भी एसिड है वो HCl के करीब करीब होते हैं, और जब वोमिटिंग होती तो हमारी बॉडी से भी HCl निकलता, खट्टा खट्टा निकलता वही HCl। तो दैट इज MnO2 से HCl अगर रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनेगा बताओ? MnCl को बोल रहे हो तो उसका नाम भी बताओ, बोलो। मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि मैग्नीज है, मैग्नीज की वेरिएबल वैलेंसी होती है तो टू है ना, क्योंकि इसकी दो भी वही इधर लगे। अच्छा और क्या बना है? टू एस टू हो और क्लोरीन। अच्छा ये मुझे कोई बता दे कि एच सी एल का क्या हो रहा है? जय सर रिडक्शन, सर ऑक्सीडेशन, सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन, क्योंकि उसमें क्या निकल रहा है सर? ऑक्सीजन, बोलो पीयूष। रिमूवल ऑफ एच है ना, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ताला बदल रही हो माई, पहले रिडक्शन बोलती हो फिर ऑक्सीडेशन बोलती हो। हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा अब किसी न किसी का क्या हो रहा होगा? MnO2 है? Yes. तो MnO2 में मुझे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। Mn सर ये ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। ये देखो ये क्या है बताओ, Mn की स्टेट। जो इसकी टोटल स्टेट होगी वो इसकी अकेले की स्टेट होगी। Yes, तो इसकी कितनी होनी चाहिए जिससे न्यूट्रल हो जाए? सर इसकी 4 प्लस होनी चाहिए। 4 प्लस, तो यहां 4 प्लस लिखो। इसकी कितनी होनी चाहिए? इसकी सर 2, इसकी 2 तो सर 4 सर 4 ही होनी चाहिए। नहीं जो माही बता दे, माही सर 2 ही तो बोला, तो माही ने 2 बोला, माही की बात मानेंगे। हां जी ये सही बताती क्योंकि यहां 2 क्लोरीन है कि नहीं? हां 2 तो 2 प्लस। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने से क्या लगता है बताओ? सर ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। देखो इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया कि लॉस किया? इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस? लॉस। कैसे अनुराग ने पता लगाया? क्योंकि 4 प्लस था और 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इन्होंने बता दिया। सर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 प्लस बन गया, 2 चले जाते तो और 2 प्लस हो जाता, 2 प्रोटॉन बढ़ जाते। कैसे अनुराग ने बताया? बोला 2 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए, अब 2 प्रोटॉन एक्सेस बचे। सर जब प्लस होता है तो उधर माइनस कम हो जाता है, इसका क्या मतलब है? क्या 4 प्रोटॉन एक्सेस है? हां राइट, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब कितने प्रोटॉन एक्सेस है? अच्छा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हुआ? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन, वैसे भी एक ऑक्सीडेशन हो ही चुका है तो इसलिए इसका क्या हो गया बताइए? रिडक्शन, रिडक्शन। तो इसलिए सर इस शॉर्ट में कैसे समझे?
शॉर्ट में समझो, दिस इज रिडक्शन। जो लोग ये ना समझ पाए तो आप ये समझ लें कि MnO2 भी बना सकता है, और क्या बना सकता है, क्या ये MnCl4 भी बना सकता है, क्योंकि 4 प्लस है, तो Cl4 से Cl2 बना रहा है, तो क्या इससे नॉन मेटल रिमूव हो रहा है, नॉन मेटल रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन हट रहा है? सीधा बोलो, ऑक्सीजन इससे हट गया है इसलिए इसका रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीजन जुड़ जाता तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ना बोलते क्या? और चूंकि इससे ऑक्सीजन हट गया है तो इसका क्या बोलेंगे? अब हाइड्रोजन के टर्म्स में आप क्या बोलोगे? भाई हाइड्रोजन इससे हट गया है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इससे हट गया है बात की नहीं। चलिए ऑक्सीजन हटा तो एक नॉन मेटल भी तो लग गया, लगाया तो फिर इसी में तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाती है, यही तो हमने इसीलिए सिखाया, क्योंकि फिर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे देखो पूरा कंक्लूडिंग है ना। तो वो है, अब अगला देखिए कि नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्ट क्वेश्चन भी निकालो। पहले तो Na2 का नाम बताओ, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है, कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है? सर Na ऑक्सीडाइज हो रही है और O2 Na ऑक्सीडाइज हो रही है, बात तो आपने सही की, ऑक्सीडेशन, और O2 का क्या हो रहा है बोलो? सर क्यों हो रहा है O2 का रिडक्शन, ये भी बता दो। अगला क्वेश्चन देखो, CuO, देखो पीयूष ने भी अच्छा आंसर दिया था, एक क्वेश्चन पीयूष से फिर से पूछा, सो Cu प्लस H2O, तो ये तो पहले वाला ही आ गया ना, उसी को इन्होंने रिपीट कर दिया, इसे अच्छा हो क्या अपने से तो कोई नहीं, कुछ में है बहुत सारे। अब आ जाओ एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये देख के बताइए कि 2PbO एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, PbO और 2Pb, माही बहुत ज्यादा पढ़ाई करती है तो बता दो PbO का कलर क्या है, PbO और कोई ना बताए, बहुत अच्छा येलो, देखो वहां लिखा था तो कितने दिन से पढ़ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि सर ग्रीन होता है पर सर ग्रीन होता है पर वहां पे फेड हो गया, सही कह रहे हो, बहुत अच्छा है, मतलब बोल रहे हैं ये ग्रीन होता है लेकिन फेड हो गए येलो हो गया है, मतलब आप देखिए कि कितना इंटेलिजेंसी है, जब ग्रीन हुआ तो फेड हुआ पीपी हो, जब हमने लेड नाइट्रेट का कराया था तभी हमको दिखाया था कि नहीं, लेड नाइट्रेट का क्या कलर बताया था? लेड नाइट्रेट का ये वाइट, वाइट से येलो बना। अच्छा अब अगली बात कुछ इसमें बताओ माही क्या क्या हो रहा है? सर पी पीडीओ इस रिड्यूस, सर पीडीओ का रिडक्शन हो रहा है और सी का ऑक्सीडेशन, पीडीओ का इन्होंने बता दिया रिडक्शन, और कार्बन का ऑक्सीडेशन भी नोट करते चलो, ठीक है, और भी कुछ पूछा जाना है देखो क्वेश्चन में, चल कौन सा है कौन सा मतलब नेट कौन सा वो लाइन वाला है, वो नहीं होता जो घर में लाइन है, फर्स्ट का एक बार आंसर बताओ। अच्छा ये बताओ कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा, क्या नेट इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है इसमें सही क्या है वो बता दे, गलत फर्स्ट के सही है कि नहीं, देखो हां सही है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, सही
ये बताने में हमको बहुत समय लग गया क्योंकि दो ही चार बच्चे समझ पाते हैं, ये अभी तक नहीं समझ पाए कि प्रोडक्ट का कुछ नहीं हो रहा। अरे सर देख लो अभी भी कह रहे हैं हाँ सही है क्या वो कह रहे हैं। आनंदिता पहली बार समझ गए कि लेट का कुछ नहीं होता प्रोडक्ट का, दो दो आंसर इन्होंने बल्कि सही है। इसलिए मतलब कि दो बार आपने बताया ना क्वेश्चन पे कि प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता। यस। अब ये तीसरी बार भी आपने बता दिया कि लेट का कुछ हो ही नहीं सकता वो प्रोडक्ट से आएगा, तो ये तो फाल्स हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तीसरा देखो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज गेटिंग रिड्यूस, तो क्या सी और डी सही है? तो ए और बी फाल्स है, इनकरेक्ट ना। देखो ए एंड बी ये जो है ये फर्स्ट आंसर है, इनकरेक्ट, दीज आर इनकरेक्ट। अब जरा सर एक मिनट बताइएगा, हां सर इस साइड को बताइए। ठीक ठीक धूप में ना रखो पानी तो उड़ जाएगा, कलर कितना डिम हो गया और कितना कॉपर डिपॉजिट हो गया। कॉपर देखो ना तुरंत बोला था जी। यस सर। अब देखो हमने नेल डाल दिया, अगर CuSO4 में ऐड होगा तो FeSO4 + Cu होगा, FeSO4 + Cu + Cu, तो वो कह रहा है कि y plus the color change as अच्छा Cu precipitate होगा। पूरा रिपीट करो मना पूरा संख्या as Fe is iron nail is added to copper sulfate solution iron is more reactive, अच्छा more reactive, अच्छा पूरा लिखेंगे ना, फिर लिखेंगे कि iron displaces copper, copper So iron displaces copper. So it displaces copper from its salt solution. Displaces copper from its salt solution. From its salt solution. Solution. And make a ferrous sulfate. Color of solution. Solution changes from blue to green. Blue to green. Changes. यही तरीके में बता रहा हूँ, वो चीज बहुत खास लिख दी होगी तो फिर सर ग्रीन लाइट में तो चलता है। अगला देखो give an example of double displacement reaction other than activity 1.10 sir PbNO3 mol wise plus HCl दे देंगे PbNO3 mol wise plus HCl अगर मैं इसमें Ki डालूं
सर ये तो प्रेसिपिटेट वाला हो जाएगा ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा येलो कलर का PbI2। अब एक्टिविटी 1.10 नहीं दिख रहा है, यहाँ बताओ क्या होगा सर? इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा PbI2 और KNO3 होल ट्वाइस, जो कि सॉलिड होगा। NO3 होल ट्वाइस अपने मन से दो चार ट्वाइस ट्वाइस लगा देते हैं, एक सिंगल है। अच्छा अच्छा, और ये सिंगल है और ये येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है ना? समझ नहीं बात की नहीं? हाँ, वन इसका है वन इसका होगा कि नहीं? हाँ, वन ट्वाइस। तो अब यहाँ पर टू लगा दिया कि ये टू हो गया, इसका कलर क्या? येलो, येलो पीपीटी, येलो येलो प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से लेट नाइटेड कलरलेस है, कलरलेस से इसमें चेंज हो गया। नेक्स्ट, सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड और ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, एक्सरसाइज पे आ जाइए। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं, लेड आई के साथ आ जा रहा है ये इसके साथ, जो कि के का एक प्लस चार्ज है और NO3 एक माइनस है, तो एक प्लस और एक माइनस से KNO3 बना। फिर हमने इसमें टू का तो बैलेंस कर दिया, टू यहाँ टू अब है तो टू के की वजह से टू के कर दिया। अब लेड एक है तो एक रहा, I2 दो है तो दो है। PbI2 इसलिए क्योंकि PB पे टू चार्ज है, प्लस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज में Fe2O3 प्लस 2Al, इससे क्या होगा? Al और प्लस 2Fe। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Above reaction is an example of Chagan plus CuSO4। ये देखो Chagan plus CuSO4 से Chagan SO4 plus Cu। अच्छा अनुराग बताओ इसमें क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है? क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है सर? इसमें सर Zn हो गया, तो फिर जीरो। और यहाँ पे क्या है? इसमें प्लस फोर, फोर क्या जिंक प्रोटॉन एक्सेस में है तभी तो। तो लॉस हुआ तो इसका क्या लिखें सर? क्या सर? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब कॉपर में क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि उसे रॉड पे जाके इलेक्ट्रॉन लेना है, जिंक छोड़ के आया कहता जाओ तुम ले हो, तो कॉपर इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा 2 प्लस हो रहा है? कॉपर जब कोई भी नॉन मेटल के साथ सॉल्ट में होगा तो वो लेना देना है, वो ये तो आयनिक कंपाउंड है, उसके बिना आयनिक कंपाउंड बनते ही नहीं, फ्री स्टेट में कुछ चार्ज नहीं होता। अगर अभी भी एक चांस और है, इसमें सही सही बता दो किसका ऑक्सीडेशन होगा? ये डबल डिस्प्लेसमेंट किसका ऑक्सीडेशन होगा? सही बताओगे तो इनाम है, इनको बता ले दो।
सर मैं बताऊं समझ में नहीं है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सर पी नहीं नहीं सर ऑक्सीडेशन हो रहा है के का के आई का ऑक्सीडेशन हो रहा है आप बताओ यहाँ पर भी I माइनस है यहाँ पर भी I माइनस है यहाँ पर भी K प्लस है यहाँ पर भी K प्लस है किसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं आनंदिता तो साफ मना कर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नो स्पीसीज इज ऑक्सीडाइज एंड नो स्पीसीज इज रिड्यूस्ड हाउएवर इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज नॉट सो इसका रीजन क्या था बिकॉज आयन एक्सचेंज आर टेकिंग प्लेस सर पर इधर तो जो सॉल्ट होता है ना yes. जैसे देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 से क्या बना 2NaCl प्लस BaSO4 बोलो Ba के किस चार्ज से किस चार्ज पे जा रहा है नाही टू से टू से टू से टू से ऐसे चलो अच्छी बात है ठीक है Na का क्या चार्ज है सर 1 1 वहां का चार्ज 1 क्लोरीन का सर क्लोरीन का -1 बाद -1 सब पर सर ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा चेंज क्यों जो बोलना सर पर इधर ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा है सर ये माइनस हो गया सर ये चेंज कब होता है हमेशा सर, सर यहां पे SO4 माइनस नहीं है क्या तो Ba2 प्लस काफी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सर यहां पे बोलो सर यहाँ पे Na से ऑक्सीजन हट रहा है और यहाँ पे Ba से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको नहीं मानेंगे सर वो एक पूरा ग्रुप है एक एनायन हट रहा है तो दूसरा एनायन आ रहा है ऐसा ना देखो कि एक ऑक्सीजन हट रहा है डबल कुछ हो रहा है एक एनायन हटा क्या डब यहाँ पर जो SO4 हटा ना दूसरा आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन दे रखे थे इसे डबल डिस्प्लेसमेंट में ही होता ऑक्सीडेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ लिख लो नो स्पेसिफिक सर पर इधर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है कुछ नहीं किसका हो रहा है बताओ हम तो सब लिख दे सर एक प्लस है ये प्लस है जिसमें लॉस गेन हो जाए बता देना लॉस गेन तो होते ही नहीं होते सर आयन एक्सचेंज है Cl नॉन मेटल है और वो Na में ऐड हो रहा है Cl नॉन मेटल है वो Na में ऐड हो रहा है Na में ऐड हो रहा है लेकिन SO4 भी 2 माइनस वाला है हट भी रहा है तो एक्चुअली द मोस्ट जो मॉडर्न अभी डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन की गेन और लॉस की भी है बाकी ऑक्सीजन वाली आउटडेटेड है वो 70 साल पुरानी तो उसी में तो वो डेफिनेशन ऐड कराई गई आपने क्योंकि कई क्वेश्चन जो है ऑक्सीजन की गेन लॉस से नहीं बनते तो यहाँ पर क्या हो रहा है नो स्पीसीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन बोलो बात समझ रहे हैं सर कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो रिडॉक्स नहीं और ना कोई प्रेसिपिटेशन क्योंकि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है डबल सर BaSO4 नहीं होगा प्रेसिपिटेट होगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है यही तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो वो रिडॉक्स नहीं हां BaSO4 होगा सॉलिड स्टेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स क्योंकि इसमें चार्जेस सेम रहते हैं सिर्फ आयन का एक्सचेंज सभी तो पानी में तैर रहे हैं वो कह रहे हैं तुम्हारी मर्जी उसके साथ तैरो हमारे साथ तैरो मिल तो तुम भी नहीं पाओगे मिल नहीं पाएंगे मिलेगा तो वो खुश नसीब जो प्रेसिपिटेट बनाएगा उसने कहा चलो हम लोग मिल जाते हैं BaSO4 मिल गए और नीचे बैठ गए नहीं बाकी दो बच जाएंगे अच्छा अब इस क्वेश्चन में देखो Fe2O3 तो ये रिएक्शन आपको किस तरीके की लगती है अच्छा है लेकिन खुशी बता हाँ बोलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या Fe ज्यादा एक्टिव है कि Al Al एल्यूमिनियम बीम मोर रिएक्टिव किससे ज्यादा रिएक्टिव है Fe ठीक है रिएक्टिव क्योंकि लिखवा सरकाना मग अल मन जन कर फी
भी कितना आ गया। सो मोर रिएक्टिव देन, इससे ज्यादा रिएक्टिव है बताओ, Fe से। Fe displaces it from its salt solution. Its salt solution. लेकिन एक डाउट है, देख लो जो चार ऑप्शन है उसी के तो बताओगे कि पांचवा नहीं जोड़ोगे। चलिए, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? Stick the correct answer. Hydrogen gas and iron chloride are produced. जो Fe है वो ऊपर है, 2 प्लस के स्टेट में ऊपर है और 3 प्लस वाला नीचे है ना, तो 2 वाला काम करेगा। सो Fe प्लस HCl देख लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस H2। जरा एक नई चीज आपको बताएं आनंदिता, लिखवा सताना मग अल मंजन कर और फी कर CONI मतलब इनका बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, प्रॉपर नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर की H2 से ऊपर ये था 2 प्लस वाला, अच्छा ये Fe 3 प्लस वाला है, अगर Fe का सामना इससे हो गया, इससे, तो बोलो Fe 3 प्लस इससे रिएक्टिव है, कहेगा हम तो तुमसे बहुत तेज है Ag से और हम तुम्हारे तो जो भी है ना तुमको 3 इलेक्ट्रॉन देंगे इनके साथ। यानी फिर से समझो, अगर H2 के ऊपर Fe है तो 2 की स्टेट में आएगा, और अगर Ag है, Ag Cl के साथ Fe आ गया तो किस स्टेट में आएगा, 3 के FeCl3। तो कहता हम तो अब ज्यादा पावरफुल, और सर ये इससे भी समझ सकते हैं ना कि FeCl2 है तो Cl2 है तो Fe2 ही होगा। FeCl2 वो तो आपको बनाना है ना, आपके माइंड में आएगा FeCl2 बनाए कि FeCl3, तो हाइड्रोजन से ऊपर है तो 2 की स्टेट दिखाना, और इन सब से ऊपर है तो किसकी स्टेट दिखाओगे, 3 की। अगर इन सब के साथ आपने आयरन ने डाल दिए Ag सिल्वर क्लोराइड में तो FeCl3 बनाएगा। अगर ऐसी बात है तो ज्यादा में पूछेंगे FeCl3 का कलर बता दो, यहाँ डिब्बी दिखा देंगे, और ये नहीं बता दो FeCl2 का ब्राउन, ये ठीक बताने, क्योंकि Fe2 की स्टेट में ग्रीन है तभी तो ग्रीन बताया, ऐसे बेसिस के साथ बताते हैं ये। और मतलब कैसे आपने बताया FeSO4 का ग्रीन था, तो इसीलिए वो बता ही रहे, आप कंगन को आरसी क्या पड़े लिखे को फांसी क्या, तो हमने बता दिया FeCl3 का क्यों इन्होंने बताया, माही ने भी क्यों बताया, क्योंकि माही के मन में ये हमेशा था कि Fe2O3 में ये 3 प्लस की स्टेट है, ये रेड है, तो उसी से उन्होंने रेड बताया होगा, क्योंकि 3 की स्टेट है कि नहीं, तो Fe3 की स्टेट में कैसा है रेड और 2 की स्टेट में कैसा है, वही चीज आप ही बता। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये देखो, ये फेरिक क्लोराइड ये एक तरीके का रेड ब्राउन है, फेरिक क्लोराइड है, फिर क्या है FeCl3, भाई ये ज्यादा ही बाहर निकल निकल के गिर रहा था, हमारे सामान को खराब कर रहा था, मैं टेप लगाऊं थोड़ा सा फ्लेवर देखो, आप कितने के दिखाई थोड़ा, ये रेड है ना, समझ में आ रही बात की नहीं, 3 की स्टेट में ये कैसा है और सर 2 की स्टेट में, 2 की स्टेट में ये ग्रीन है,
आंसर है बिकॉज़ अभी देखो इतनी बात समझ आ गई तो इसका आंसर बताओ सर नीचे वाले को अगर फ्लोराइड बोलेंगे तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे सर नीचे वाले को फेरस क्लोराइड बोलेंगे तो ऊपर वाले फेरस क्लोराइड इसका नाम क्या है फेरस क्लोराइड फेरस क्लोराइड दूसरा नाम बताओ फेरस क्लोराइड इसका दूसरा नाम अच्छा इसका भी दूसरा फेरस टू आयरन बोला करो आयरन टू अच्छा बताया है सर आयरन को थोड़ी देर में हर चीज भूल जाते हैं समझ आई बात तुम्हें कार्तिक की कमी बहुत खल रही कार्तिक के दिन क्योंकि वो हर चीज पकड़ लेता था तुम पकड़ ही नहीं पाते चार चार बार बताओ तब भी नहीं एफिसियल थ्री और आयरन थ्री क्लोराइड इसका कलर क्या है इसका लाइट ग्रीन रेड ब्राउन रेड ब्राउन ब्राउन हो गया आपको पता चल गया ना ये 203 किसने लिखेगा और ये क्या हो गया लाइट ग्रीन ठीक है लेकिन हमें तो इस रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है इट इज नॉट ऑफ अवर कॉन्टेक्स्ट जो बुक में दिए उसका बताओ इस वाले के लिए क्या लिखते हैं इसका ऑप्शन हाइड्रोजन जैसे आयरन क्लोराइड ये सही बताना ये सही अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखो What is balanced chemical reaction? ये तो आपको पता चल गया ना कि if number of atoms of various kinds, if number of atom of each kind is equals to the LHS and RHS, then we say R equal in LHS and RHS, then it is balanced chemical equation. It is to be balanced so that it is in accordance with law of conservation of mass. इससे हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरणों को इसलिए संतुलित करते हैं जिससे कि वे जो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार हों इसीलिए तो उनको हम संरक्षित करते हैं तो आगे देखिए ये हम पहले लिखा चुके हैं फिफ्थ देखिए फिफ्थ हो गया है ना सिक्स हो गया सेवेंथ में एट भी हो गया सर सेवेंथ में बैलेंस केमिकल लेकिन एट्थ में टाइप बताना है टाइप तो बताना पड़ेगा तो नहीं बताया हम लोगों ने सर के तो हमने सॉल्व करा दिया अच्छा फर्स्ट बताओ सर के अनुराग जो फर्स्ट है उसको बस इंटरप्रेट करके मुझे बता दीजिए के बी आर प्लस बी ए आई टू फिर से पोटेशियम आयोडाइड के आई प्लस आई बी ए बी आर टू बी ए हाँ बी ए बी आर बी ए ये किस तरीके की रिएक्शन है ये किस तरीके की रिएक्शन है सर डबल डिस्प्लेसमेंट सही है सोलिड फ्लो डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हम लोगों के पास के बी आर है या आपने कभी देखा है पोटेशियम ब्रोमाइड से हमने रिएक्शन करवाई थी वाइट प्रेसिपिटेट आया हां तो डबल हमारे पास के आई नहीं था नहीं तो ये रिएक्शन हो चुकी होती येलो प्रेसिपिटेट इसीलिए के बी आर डाला था नहीं तो डबल वाइट कलर का है ना नेक्स्ट मैं बताऊं ZnCO3 + Zn CO3 सही है आगे बताइए दैट गिव्स ZnO + CO3 दैट गिव्स माजे ZnO + CO3 नेक्स्ट मैं बताऊं अरे पहले इसको तो बताओ ये टाइप तो नहीं आया ना सर क्या सर ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाउ नेक्स्ट सर एक मिनट सर टी का तो नोट कर लो सर दिल मानो तो उसी से पूछ लो
किस तरीके की रिएक्शन मानते हैं? लिख चुके ना डिफरेंशिएशन। यस सर। राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ, सो दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखो सर इसमें क्या वही थर्मोलाइसिस से लिखा है, लिखना पड़ेगा एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, तब क्या बोलेंगे? थर्मोलिसिस। और एक रिएक्शन बता दो सर, थर्मोलिसिस का सर CaCO3 करके CO प्लस ठीक है। हां और एक और बताओ FeSO4 दैट एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ सप्लाइड ठीक है, उसे क्या कहेंगे? फोटोलिसिस। कठिन कठिन मत बताओ, कुछ सरल बताओ। अच्छा ये बताओ, सर AgCl यही बात है, हम वो हीट वाली बता रहे हैं। AgCl दो ही तो है, तीसरा कौन सा आपको सर ये वो फोटो वाला है ना, जिस जो फोटो खींचने के काम आता है वही वाला है, इसीलिए तो सिल्वर स्क्रीन अवार्ड दिए जाते हैं। नो सर। अच्छा सर दो है ना, ब्लैक कलर है ठीक है। हां बोलो क्या बोल रही हो सर? दो होते हैं ना AgCl और AgBr, तो उन दोनों में कंफ्यूजन। दोनों यूज किए जाते हैं, दोनों को दोनों यूज करते हैं, दोनों यूज किए जाते हैं फोटो के लिए। अब देखो तीसरी, एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या है? ये सनलाइट को, यहाँ क्या लिखोगे? सनलाइट। तो ये हो गया 2H2 प्लस O2। O2 हो गया। टेबल में
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट सर ये लिखवा चुके हैं नहीं लिखवा सर लेकिन चेक किया हुआ अभी किया आपने कॉमन इंटेलिजेंस के सर लेकिन दो ही लिख पाए ठीक है सर मैं तो कितना ठीक है और डबल सर एक एग्जांपल लिख दिया और एक डेफिनेशन और सर वो भी लिख दिया कि इन दिस मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स लेस रिएक्टिव इन फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन मोर और वाइस वर्सा क्योंकि नॉन मेटल भी यही करेगा ना लिखने की जरूरत नहीं है सर वाइस वर्सा में जबकि इसमें क्या होता है टू मेटल्स टू सॉल्ट सॉल्यूशन व्हेन इंटरमिक्स्ड एंड देन दे एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म मोर स्टेबल सॉल्ट्स सर ये तो नहीं लिखा था मोर स्टेबल तभी होता है NaCl बन जाता है मालूम है NaCl ज्यादा स्टेबल है कि Na2SO4 NaCl तो Na2SO4 में जब BaCl2 डालेंगे NaCl बना कि नहीं तो इस तरीके से व्हेन टू सॉल्ट सॉल्यूशंस आर इंटरमिक्स्ड जब वो इंटरमिक्स किए जाएंगे दे फॉर्म दे एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म मोर स्टेबल सॉल्ट्स अच्छा इसमें क्या है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है क्या हाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म इस फॉर्म और इसमें क्या होता है नो प्रेसिपिटेट विल बी प्रेसिपिटेट इस फॉर्म अच्छा कौन सी इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है कौन सी नहीं है सर डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन और जबकि ये क्या है रिडॉक्स इट इज रिडॉक्स रिएक्शन बात समझ आया सो इट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज इट इज नॉट बेस्ड इतने सारे सर दो मार्क्स का था तो दो दो पॉइंट लिख दिए हमने आपको बता दिया कि ऐसे लिख लो सर तो दो मार्क्स का था दो दो पॉइंट लिख दिए तो सही है क्या बोलना दो भी लिख दिया हमने नहीं कराया और लिख दिए तो अच्छा नहीं क्या हाँ अगले संडे में और लिख दो सर अगले संडे मतलब यह क्वेश्चन फिर से आ रहा है Na2SO4 प्लस BaCl2 तो क्या होगा NaCl प्लस BaSO4 होल टू नहीं बी एस ओ और ये नीचे का तो ये एक्वियस है और वो सॉलिड है बी एस ये वाइट प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड जबकि जेड एन सर बी एस ओ फोर हैवी होता है ना सेटल एट द बॉटम तो जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू ये हो गया अगला क्वेश्चन देखें सर सी यू एस ओ फोर का नहीं लेकिन ब्लू इन कलर है वो कलरलेस कर सकते हैं ब्लू सोल्यूशन है नेक्स्ट देखो 14 इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल अ
देखो सिल्वर नाइट्रेट हमें जमीन से मिला क्योंकि जमीन से जो मिलते हैं अर्थ से वो ओर होते हैं, ओर से मिनरल्स होते हैं इस तरीके से पत्थर के रूप में। तो अब मैंने उसमें कॉपर डाल दी, हमें जमीन से क्या मिला था सिल्वर नाइट्रेट, उसका फार्मूला ये होगा कि AgNO3 वोल्ट सिल्वर नाइट्रेट यही होगा क्योंकि दोनों की वजह से। अब मैंने अगर इसमें कॉपर डाल दिया सर तो क्या कॉपर मतलब सिल्वर रिकवर हो जाएगा? सर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर यानी वो रिकवर हो गया। हमें सिल्वर जो ज़्यादा कीमती चीज़ है उसे हमें पाना है ना, अब कॉपर हाथ से चला जाए तो चला जाए। तो लिखा इन रिकवरी ऑफ सिल्वर, सवाल पढ़ो इन रिकवरी ऑफ, हमें रिकवर करना है ना सिल्वर, और सिल्वर नाइट्रेट से रिकवर करना है तो हम उससे ज़्यादा एक्टिव मेटल से क्या उसकी रिएक्शन करा दें? यस करा दें। तो अब इसमें माही बता दें तो जीत है ना, क्या रिएक्शन बड़ी बात होगी तो करेंगे ना, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए अपने में ना, ठीक है समझ आई बात? तो इसका कलर क्या होगा सर? ब्लू सर, AgNO3 का कलर सर व्हाइट, AgNO3 व्हाइट और CuNO3 होगा और इसका ब्लू सर वो तो सॉल्ट है सर, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, सॉल्ट नहीं होता है सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट होता है और सर पानी में डालोगे ना डिस्प्लेस कर दोगे ऐसे ही मिला लोगे हो जाएगा। और ये ब्लू बिकॉज ऑफ कॉपर, ब्लू सर अगर व्हाइट लिख दिया तो नंबर मार्क्स कट सकते हैं, व्हाइट सॉल्यूशन होते नहीं है सर, व्हाइट सॉल्यूशन नहीं सर, AgNO3 लिखा तो AgNO3 तो व्हाइट वो हमारा ये सॉल्यूशन है, आप एक्वियस लिख रहे हैं सर, साइड में एक्वियस लिखो ना यहां पे, हां एक्वियस लिखना चाहिए और ये सॉलिड है ये भी सर, अब कोई कलर लेस नहीं लिखेगा तो मार्क्स कट देगा। अब देखो राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, अब 15 देखो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिवन एग्जांपल का दे दो ये एग्जांपल, हां प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब है ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन इनसॉल्युबल इन द सब्सटेंस, इट ईदर फ्लोट ऑन अ सब्सटेंस और सेटल एट द बॉटम, सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म है ना, क्या है वन ऑफ रिमेन इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन, this either float on the solution or sink this is called as precipitate and this reaction is called precipitate reaction sir aapne double displacement mein likha hai precipitate is formed par sir aapne bataya tha ki most of the solutions are precipitate form hota hai sare solutions mein nahi lekin jab differentiate kar rahe hain to usme ek to kya hai सर तो ऐसे लिखना चाहिए ना इन सम ऑफ द सॉल्यूशंस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, मोस्ट ऑफ जो होते हैं कुछ कुछ में नहीं होते, तो हम ये कहेंगे प्रेसिपिटेट इज फॉर्म तो इसके लिहाज से गलत नहीं है, लेकिन जब हम उसमें स्पेसिफाई करना चाहें जैसे हम नहीं कहते हैं कि नॉन मेटल में भी किसी किसी में लश्चर होता है तो क्या वे उसके एक्सेप्शन नहीं होते मर्करी आयोडीन मतलब आयोडीन लश्चर वो एक्सेप्शन है जब कॉमन सर आयोडीन है दिखाया तो ना सर ब्लू कलर होता है ये हाथ में लेते लेते उड़ जाता है और महंगा भी बहुत है ना, दिखाया था कि नहीं ये देखो अच्छा अभी ये भी है यहाँ ब्राउन हो रहा है नीचे देखो येलो नहीं हो रहा और नशा देखो सर इसको टाइटल देखो ये देखो नीचे सर इसको टाइटल दो थोड़ा आधा ही हो गया ये 700 रुपए की चीज इतनी बची नीचे से तो शाइन है कि नहीं नॉन मेटल होती है सर टाइटल दो में यही होता है इसको ऐसे ही पानी में घोल के पी लो तो गले की सब समस्या दूर हो जाएगी ये
तरीके से होता है, ठीक है ना। अब देखो यही चीज है, अगर मान लो आयोडीन है ये। सर एक डाउट है, ये आयोडीन है और इसको ये टिंचर आयोडीन है, आयोडीन में विस्की मिला दी है, तो इससे क्या हो गया हाथ में चोट लग जाती है। अगर इसको स्टार्च में डाल दो, स्टार्च में डाल दो तो क्या होगा, नीला पड़ जाएगा। ये अभी अगले चैप्टर में आएगा लाइफ प्रोसेस, तो वहां से पानी लाइफ प्रोसेस में है। सर अल्कोहल मिलाते हैं आयोडीन में तो उसको टिंचर ऑफ आयोडीन, 5% आयोडीन पर 95% अल्कोहल, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग ए टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर लोगे क्या? यस सर। 15 और 16 तो कर लोगे ना? यस सर। 15 एंड 16 कवर हो गया। अब देखो 17th देखिए, अ शाइनी ब्राउन शाइन थोड़ी ना आती है, कुछ काला काला हो। क्यूब्रिक ऑक्साइड है आपके पास? क्यूब्रिक ऑक्साइड आपके पास है? ये हुआ कॉपर, तो ये शाइनी, ये एक्स है, दैट इज शाइनी ब्राउन मेटल, मेटल भी लिखा होगा, एलिमेंट लिखा है। और जो बन रहा है पैक कलर कंपाउंड कौन, तो लिखो X is copper and black colored compound form, बोलिए is cupric oxide। सर ये कट कट क्या लगा? अच्छा X उसमें लिखा है X, तो X हाँ ये सर X, तो X कट तो थोड़ा सा कट गया है, ये बात समझ में आ गई। Now नेक्स्ट इज कोरोजन, कोरोजन होता है हाँ छोटा सा सर, वो फैट और वो वाला होता है। देखो कोरोजन क्या होता है, सब जंग लगना। हाँ इफ मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रोलॉन्ग, Fe2O3 हो जाता है, ठीक है। सो इफ मेटल्स आर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर रख दिए जाए लंबे समय तक, लेयर ऑफ ऑक्सीजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन लेयर दे दीज आर ईटन अवे। क्या
ईटन, ये मतलब खा लिए जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, ईटन ईटन अप ना, दीज आर ईटन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, अब किसी की फॉर्मेशन हो सकती है ऑक्साइड लेयर या कार्बोनेट हो गया, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता होगा, और सल्फाइड। Their tensile strength और अपनी कार्य क्षमता खो देते हैं। कभी आपने देखा है कि पुल के पुल गिर जाते हैं, उनमें जो load bearing strength है उसे कहते हैं ना tensile strength, tension bearing strength, वो खो जाते हैं। जंग लगी हुई चीज में थोड़ी ना कुछ रख सकते, जंग लगी भी में तो घर में गिर नहीं जाएगा। So loses their tensile strength, tensile यानी load bearing strength। It is called corrosion। सही बात समझ आ रहा है, अभी बता रहा है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने आयरन को O3 हो जाता है, हाँ, लंबे समय तक रख दिया, रेस्ट लग जाएगा, एयर में बाहर ऐसे छोड़ दिया तो क्या चीज हो जाएगी? Fe2O3 हो जाएगी, वो रेस्ट बन जाएगा। आयरन इज एक्सपोज्ड इन एयर, तो ऑक्सीजन के साथ ही क्या बना देगा, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, H2O और CO2, CO2, H2O और CO2 को मिला दो तो क्या बनता है, H2O, क्या ये H2CO3 बनेगा, CO3, क्या ये सोडा वाटर है जिसको हम लोग अगर मीठा डाल दें तो स्प्राइट बन जाएगा, तो ये कार्बोनिक एसिड है, तो ये एसिड क्योंकि अगर ये टूट जाए तो क्या एक्सप्रेस नहीं निकल रहा, तो ये एसिडिक कंडीशन नहीं दे रहा था वाटर में, H2 और CO2, CO2 बहुत बढ़ जाए तो एसिडिक रेंज हो जाती है, कई जगह देखा नहीं मॉन्यूमेंट्स तक गल जाते हैं, सर तालमेल भी एसिड रेंज गल जाता है, एसिड रेंज होता है, ये जो येलो हो रहा है मतलब साल की पहली बार से वो बहुत एसिडिक होती है, तो ऐसे से जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, Fe2O3 यानी प्रेजेंस ऑफ एसिड, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ह्यूमिडिटी दोनों जरूरत है, तो CO2 तभी ये होगा, सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं होता, प्योर ऑक्सीजन है तो कुछ नहीं होता, तो ये 2 होगा, और यहाँ कितना लिखते हैं सर, 3 और इसमें 2 लिखते हैं, अच्छा चलो 2 लिखो, इधर 3 लिख दिया, फिर इधर इधर 3 इधर 2 4 ये हो गया, तो ये तो ये इसका क्या कलर है, इसका सर ब्राउनिश ब्राउन, रेड ब्राउन कलर है क्योंकि ये लिखा हुआ है Fe2O3, यही होगा Fe2O3 सर, ये ना फेरिको, तो रेड ब्राउन है, रेस्ट है बस, रेड ब्राउन ब्राउन आयरन रेस्ट इसको भी कह सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड जैसा कि माही बताती है, और ये आयरन का रस्ट है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड कोरोजन, ये रस्टिंग, और बाकी सब केस में कोरोजन बोलो, लेकिन आयरन के केस में क्या बोलो, रस्टिंग, जैसे कॉपर है सर, कोरोजन में इसका एग्जांपल दे सकते हैं, हैं कोरोजन में इसका एग्जांपल दे सकते हैं, दे सकते हैं, तो कॉपर के केस में देखो, इसका तो देख सकते हैं, वी विल सी कॉपर में किस तरीके से होता है, अगर एटमॉस्फेयर सर कॉपर कॉपर जब कोरोड होता है तो उसको रस्ट रस्ट लगना नहीं बोलेंगे, उसको भी बोलते हैं CO रस्ट है, कॉपर कॉमनली अगर कोई रस्टिंग बोल रहा है तो आयरन के केस के लिए CO बनेगा, ठीक है। अब ये जरा देखो, कभी कभी ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि ये देखो कि ये भी लोग लिखा देते हैं कि XH2O, जैसे मान लीजिए इसके साथ क्या हो कि वाटर भी रहता है, तो वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल हो जाते हैं, यानी XH2O, तो XH2O अगर साथ में है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2XH2O, वाटर भी रहेगा उसमें, क्या रहेगा 2X, वो 2 इसको भी कवर कर रहा है,
तो इसलिए 2SH2 वाटर भी रहेगा, रस्टिंग होगी तो उसमें क्या रहेगा, अगर छुओगे तो गीला गीला भी लगेगा रस्टिंग, तो कितना पानी होगा उसकी कोई मात्रा निर्धारित नहीं है। सर समझ में आई बात की नहीं? हाँ सर, जैसे हम कोई पुराना मेटल मतलब पुराना आयरन का कोई भी चीज देखते हैं जो रस्ट लगा रहता है जिसमें, अगर उसको टच करते हैं उसमें तो पानी नहीं लगता। हाँ हाँ, अगर किसी कोई भी ऐसी चीज है इसमें अगर करेंगे तो थोड़ा पानी पानी नहीं निकलेगा, वो आपको नहीं पता, लेकिन जैसे कोई बहुत ज्यादा रस्ट है उसको आप करोगे देन इट कंटेन्स, अभी कोई भी चीज है ये है ना CuSO4, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज, इसमें हर एक CuSO4 के साथ 5H2O, वो गीला नहीं लगेगा, मतलब उसको क्या कहेंगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि MgSO4 है तो 7H2O एप्सॉम सॉल्ट, वो क्रिस्टलाइज तभी होगा जब उसको वो चीज मिलेगी, अगर मैं इसको गर्म कर दूँ आपको कि पानी नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएंगे वाइट कलर का हो जाएगा, जिसके अगले चैप्टर पढ़ाया गया हो। तो इसी तरीके से इसके ये नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पेज नंबर निकालो तो बता दें ये मतलब ये आपको समझ में आ गया ना कोरोजन क्रिएशन, सर मतलब इसमें पानी होता है पर इतना कम होता है कि अगर हम फील करें तो हमको गीला नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा, वो क्रिस्टलाइजेशन बनने के लिए जरूरी है, इट इज नीडेड फॉर इट क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज, अब जरा देखो ये चीज आप इधर भी लिख सकते हो, मतलब ये एक्स जरूरी है इसीलिए बता रहा हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नेसेसरी, तो अगर कभी ऐसा हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्स होना चाहिए, कितना है वो कोई ऐसा नहीं कि डेफिनेट हो, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ वाटर नहीं, ठीक है। अब अगला देखो, कॉपर के साथ अगर मान लो जो हमारे पास ये मुंबई VT विक्टोरिया टर्मिनल जानते हो, जिसे अब मुंबई CST कहा जाने लगा। नो सर। अच्छा, मुंबई में जब आप जाते हो तो मुंबई VT में उतरते हो, ज्यादातर पिक्चरों में दिखा जाता है, बहुत बड़ा कैनोपी है उसके ऊपर, सबसे अच्छी बिल्डिंग जहाँ ट्रेन रुकती है लास्ट टर्मिनल, अभी हम आपको दिखा देंगे वीडियो। तो ये कॉपर रस्ट, कॉपर रस्ट किसका होता है कॉपर के चीज में जब भी जंग लग जाएगी तो पैसा हो जाएगा। ये देखो मेरे पास ये जो पेन मिले हुए है ना, रस्ट लग गई है, तो उसमें क्या ऐसी ग्रीन रस्ट लगी है, देख लो पहले एक चमकता हुआ कॉपर था और आज इसकी हालत देखो, इनाम में मिला था एयरफोर्स में, एयरफोर्स में जितने एग्जाम दिए सभी में हमें इनाम मिला है सर। अच्छा अब आगे देखो सर, वो Fe2O3 के बाद पॉइंट है क्या, इनटू अब पॉइंट है इनटू, हां अब और चीज देखिए कि ये देखो, सो यहां पर नेक्स्ट इज आयरन के साथ भी होता है और एक और किसके साथ होता है, कॉपर के साथ, कॉपर को एटमॉस्फेयर में रख दो 2CO, तो कॉपर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी और साथ ही साथ क्या CO2 भी रहेगी और H2O भी रहेगी, ये सब चीजें तो इसमें लिखेंगे रिक्वायरमेंट नहीं, उसके साथ ही कंपाउंड बना देगा CuCO3 ऊपर को लिखा, वहां पर उसके साथ तो नहीं शामिल हो रहा, तो यहाँ पे H2O हटा दो, यहाँ CO2 सिर्फ एक्स्ट्रा लिखो, समझ नहीं पाती नहीं, अब CO2 भी हटा दो, ऊपर का हटा दो, इतना ही लिखा, इतना ही
सर MgO में भी है। MgO में जो ऊपर की लेयर है उसको रस्ट नहीं करने होने देती है, वो प्रिवेंट करती है। नो सर, जब MgO फॉर्म होता है Mg के ऊपर तो वो भी रस्ट ही हुआ ना? नहीं, वो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। इट डज नॉट अलाउ टू कंप्लीट ईटिंग अप ऑफ द मैटर। इसी तरीके से Al2O3 एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, सालों साल रखे जाएं तो उसके ऊपर के जो वो होंगे तो वो उसको आगे वो नहीं होने देते हैं। जैसे ये देखो, ये कभी कभी क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कि अगर एल्यूमिनियम भी है, ठीक है, तो वो उसको आगे रस्ट नहीं होने देता। तो अब ये देखो कॉपर है, सो कॉपर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा? CuCO3 बना देगा। Cu एक इससे ये लिया और एक क्या बनाया? प्लस H2O प्लस CuOH होल ट्वाइस, दो चीज बनाएगा। कई कई बार इन दोनों के बीच में डॉट रहता है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो अब ये दो लिख दें यहाँ पे, फिर से समझो, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। कुछ बुक्स में डॉट भी लगा रहता है कि दोनों का मिक्स सॉल्व, लेकिन आप अलग अलग लिखो। सर पर दोनों सेम ही है, बस यही दो। कॉपर हाइड्रोक्साइड भी ग्रीन है सर, यही दो। सर ये बैलेंस बैलेंस है, चेक करो ना। दो ऑक्सीजन तीन पांच है, दो दो चार एक पांच, ये पूरी बैलेंस सर। ये इतना ही है, ये इतना ही है। ये ग्रीन रस्ट है, इसको क्या कहते हैं? ग्रीन रस्ट। और ये ग्रीन कोरोजन होगा या रस्ट होगा? ग्रीन रस्ट भी बोलते हैं, कॉपर की रस्ट ग्रीन रस्ट होगी, जैसे मैंने इस पे दिखाया आपको, है ना? इसे रस्टिंग नहीं बोलेंगे, नल पे या कोई कॉपर पे रस्ट, रस्ट भी बोलते हैं या कोरोजन भी। रस्टिंग बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ग्रीन रस्ट लिखा हुआ है। तो ये कॉपर कार्बोनेट, और ये क्या बताइए? कॉपर, कॉपर टू हाइड्रोक्साइड, टू भी लिख लो, कॉपर टू हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात? एक है सिल्वर, अगर सिल्वर हमारे एटमॉस्फेयर में H2S गैस पाई जाती, कोई बताएगा H2S गैस होती? ये ठीक बता रहा है, कैसे आपको मालूम है हाइड्रोजन सल्फाइड? बड़ी बात है, तो शुरू में हमने पढ़ा था जब चैप्टर शुरू किया था, एलपीजी भी उन्होंने बता दिया, CH4। ये CNG क्या CNG CH4 और LPG क्या है? Liquefied petroleum gas C4H10 butane। अभी दो ये है, ये liquefied petroleum ये होती है, लेकिन हम तो हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं जिसकी इसमें रॉटन एक जैसी होती है, सड़े अंडे जैसी। ये क्या है सर? ये बोलो, जब अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, ये गैस है, किसी किसी में से निकलती है, तो फिर जब इस ये गैस होगी सल्फर में, अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करें तो और हीट करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। सल्फर में H2 पास करो, इन दोनों से क्या होगा? क्या हमारी चांदी की फिश से भी आ सकती है? फिश में अभी पता नहीं है कोई इसका कोई, लेकिन ये देखो ये हमारे एटमोसफियर में, एटमोसफियर में ये पॉल्यूटिंग गैस है, ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, पॉल्यूशन में है, और अगर सिल्वर इसके कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा बताओ? AgS। कोई नहीं, कैसे पता है Ag2S? Ag2S का 2 है, अब इसकी एक और ये 2 माइनस 2 है, और ये बताओ क्या बना? H2O, तो ये 2 बना। इसका कलर क्या है? Ag2S बोलो, ब्लैक, क्योंकि पायल काली पड़ गई। यार मैनानगढ़ में चले जाओ तो सब काला काला चांदी रखा है कि नहीं? हाथी का हौदा वो सब काला पड़ा हुआ है क्या? रस्टिंग है ये, सिल्वर रस्ट है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है दे लूज देयर लस्टर, वो अपना लस्टर खो चुके हैं ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ठीक है, तो ये सिल्वर सल्फाइड। कुछ एंटीक ज्वेलरी भी है वो जानबूझ के काली की जाती है, काली करके बेची जाती है कि नहीं, कि जिससे उसको प्रेशस हो जाए। सो ये अपना लश्चर खो देते हैं, इसको कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निश हो गया, चांदी अपनी चमक खो बैठा, इसको भी क्या कहेंगे?
टार्निशिंग ऑफ कॉपर, टार्निशिंग टार्निश हो गया, एक है ये रस्टिंग ऑफ आयरन, और इन दोनों को क्या बोलेंगे? टार्निशिंग। देखो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निश हो गया कोई चीज कहते हैं, ये तो आपका गोल्ड है या कोई ज्वेलरी अगर टार्निश हो जाए तो फिर उसको ये कहेंगे। तो ये पूरा एक ही है, आप इसमें यहाँ डॉट लगा लो, और ये इस चीज को क्या कहेंगे सर? CO3 में हाँ, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। समझ आई बात की नहीं? इतनी बात समझ आ गई? इतना ही रखिए आज के लिए। थैंक यू सर। उसमें डॉट लगाना तो और क्या करना? डॉट लगा लो, प्लस लगा लो, कई कई जगह डॉट भी मिलेगा। अब जैसी नीति बच गई है वो करा देंगे आपको, दो लाइन भी देख लीजिए। कल साइंस होगी, कल साइंस का टर्न है। सर मतलब मैथ्स होना चाहिए था। क्यों सर? आज साइंस होगी। ऐसा नहीं होता है।